फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएमके पे। तो आज हम देखने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का एक पार्ट जो कि है रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो हमारा रेंज क्या होता है, तो अगर हमें पूछा जाए रेंज क्या है तो हम क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस होता है हमारा रेंज। तो हमारा रेंज का फॉर्मूला भी वही होगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हमारा रेंज का क्या होगा, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या देखना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ये होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन और लार्जेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज हमें दिया गया है कोई भी एक, हमें इक्वेशन दिया गया है 124, 36, 48, 21, 16, 104, 106, 14, 72। ये हमें डाटा गिवन है। तो अब हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें फर्स्टली क्या पता होना चाहिए, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है 106। और जो हमारा स्मॉल सबसे छोटा जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, तो हमारा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है 14। तो हमें रेंज फाइंड करनी है, तो हमें रेंज फाइंड करने के लिए क्या होगा, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। सो 106 माइनस 14, सो कितना आएगा हमारा 92। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 92। तो हमारी रेंज क्या आई, हमारी रेंज आई 92। देन हमें इस क्वेश्चन में सपोज ये पूछा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालनी पड़ेगी। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला था, एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस। तो हमने निकाल लिया है, इसलिए हम डायरेक्टली 92 लिख लेते हैं। देन हमारा एल प्लस एस है, मतलब 106 प्लस 14, तो हमारा कितना आएगा, 120 आ जाएगा। सो हमारा कितना आ गया, ये 120 आ गया। तो अब हमें इसे डिवाइड करना है, तो हमें इसे डिवाइड करने के बाद हमारा फाइनल क्या आंसर आ गया, 0.7667। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कितना इजी था ये क्वेश्चन, मतलब हम किस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल सकते हैं और रेंज भी निकाल सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।